भोपाल में कोरोना के बाद अब बच्चों में वायरल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। एम्स, जेपी और हमीदिया अस्पताल में बच्चों के सभी वार्ड फुल चल रहे हैं। जेपी अस्पताल में 20% ओपीडी की संख्या बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक एक महीना पहले से ही हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। 3 महीने से लेकर 30 साल के शिशुओं में सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ बुखार के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर CMHO ने जिला अस्पताल की सभी तरह के इंतजाम रखने के निर्देश जारी किए हैं। वायरल इन्फेक्शन के चलते सरकारी अस्पतालों के साथ शहर के निजी अस्पतालों में भी ओपीडी में पहुंचने वालों की संख्या 2 गुना बढ़ गई है। हाँ, वायरल इन्फेक्शन है जिसमें सर्दी, जुकाम, बुखार रहता है और गले में खराश, खांसी की होने की संभावना रहती है। तो ये विशेष इसमें भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस तरह के मरीज आए तो समय पे उसका इलाज दें, और जनता को भी एक वो अपील की जाती है कि सही समय पे इलाज कराएं, कुरीति से दूर रहें, सही समय पे आके इलाज डॉक्टर को, अच्छे योग्य चिकित्सक को दिखा के इलाज कराएं और सावधानी रखें। पहले से बढ़ी है, कुछ बढ़ी है, 10-15% के आसपास बढ़े हैं मरीज, अधिकतर बुखार से पीड़ित हैं लोग, बच्चे भी इस बीमारी से ग्रसित होकर आ रहे हैं।